खबर सिद्धार्थ नगर से है, जहां दो विधवा महिलाओं ने छेड़खानी व जमीन कब्जा का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ अब भी महिलाएं शोषण एवं विकृत मानसिकता के लोगों से अब भी सुरक्षित नहीं है। आपको बताते चले, सिद्धार्थ नगर इटावा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत हिंगुआ की दो विधवा महिलाओं ने तहसील दिवस में पुलिस कप्तान को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए बताया कि मेरे पति का स्वर्गवास हो चुका है, मैं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती हूँ, लेकिन आए दिन मेरा देवर मेरे साथ छेड़खानी व मारपीट करता है। मैं अपने संबंधित थाने पर शिकायत की, लेकिन मुझ विधवा की कोई सुनवाई नहीं हुई। थक हार कर मैं आज पुलिस कप्तान को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगा रही हूँ। पीड़ित महिला ने कहा, यदि न्याय नहीं मिला तो मैं आत्मदाह कर लूंगी। वहीं संबंध में डीएम राजा गणपति आर ने कार्रवाई करने की बात कही। आगरा वाली हो? बिनवा रहने वाली हूँ। क्या मामला है? मामला यह है, घर में हिस्सा नहीं दे रहे हैं, झगड़ा लड़ाई मार तक कुछ सब कुछ कर देते हैं, रहने नहीं दे रहे हैं, छेन खानी करता, मारता भी, गाली भी देता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ लेके जाओ छोटे छोटे बच्चे, माँ के पास छोड़ के आई, छोड़ के बच्चे के जान का खतरा भी है। बोल रहे तुमको जहाँ से मार धारू, रहने नहीं दूंगा घर में। और फिर हमें सबसे पूरा गांव का मनी सबूत है, और पूरे प्रधान से लेकर आप गांव में चल के पता लगा लिया जाए सही है कि गलत है, तो आप मुझे सजा दिया जाए। आप नहीं ये गलत होगा तो उसको सजा दे दिया जाए, ऐसे क्या कराया जाए बताओ। नहीं तो ऐसे नहीं, कोई सवारी हो रहा, पूरा थाने पर यहाँ तहसील पे पूरा कागज दिया गया, सुनाई कुछ नहीं हो रहा। कहाँ जाओ, जान दे दूँ वाली हूँ। जान दे देंगे, नहीं रहेंगे, कहाँ जाओ, चोर चोर बच्चे लेके तुम्हें सजा दे रहे हैं, हमने रहने नहीं दे रहा, मारने के जान से खतरा बोला, मैं तुमको जान से मार डालूंगा, कहाँ पे जाओ बच्चे को लेकर, कितना सजा दे रहे हैं बताई जाए। आप लोग नहीं कोशिश कर रहे तो हम कहाँ जाए बताया जाए, कहीं बताओ तो कहीं झोपड़ी लेके रहे हूँ, आप लोग जगह दे दिया जाए कहीं रहो। तहसील दिवस रहा जा रहे हो, क्या चीज लेके आए हो, क्या मामला है? दरखास्त दिए थी, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, थाने पे भी दरखास्त दी थी, एसपी के यहाँ दरखास्त दी थी, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो क्या मामला है? मामला यही है, 1/3 का हिस्सा है, घर में नहीं रहने देती है, आए दिन झगड़ा फसाद मार पीट छेड़खानी, उसका आदमी जयपुरला कर रहा है, और गाँव वाले पूरा हमारे पक्ष में है, प्रधान भी पक्ष में है, गांव से भी इंक्वायरी कर लिया जाए। अगर हम लोग का न्याय नहीं करेंगे आप, तो हम लोग जाके आत्महत्या कर लेंगे रोड पे, हमारा न्याय चाहिए। आता है गांव में, गांव वाले बोलने तो उसको गाली गुलूज बकती है। कौन गाली गुलूज बक रहा है? कुल्ला और उसकी औरत जायदा गाली गुलूज बकती है, उन सबको फंसाने की कोशिश कर रही है छेड़खाने में। एक महिला विधवा महिला ने आरोप लगाया कि उसके गांव के ही हिंगुआ का रहने वाले की छेड़खानी और जमीन का आरोप हड़पने का आरोप लगाया सर, इसको लेकर तहरीर मिलने पर पुलिस अपना सेक्शन कार्रवाई करेगी। एक महिला विधवा महिला ने आरोप लगाया कि उसके गांव के ही हिंगुआ का रहने वाले की छेड़खानी और जमीन का आरोप हड़पने का आरोप लगाया सर, इसको लेकर तहरीर मिलने पर पुलिस अपना सेक्शन कार्रवाई करेगी। सिद्धार्थ नगर से आरके विश्वकर्मा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।